हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। टेक्नोराइटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले शाओमी का एक बड़ा लॉन्च हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अनवील किया है। तो आज की वीडियो हम उन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में आज इंडिया में रेडमी 9 लॉन्च हो रहा है, तो मैं आपको उसकी पूरी डिटेल स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और साथ में उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है वो भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो पहले प्रोडक्ट्स Redmi ने लॉन्च किए हैं वो है Redmi 9 सीरीज, जिसमें आपको तीन स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, Redmi 9, Redmi 9C और Redmi 9A। ये तीनों ही बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन्स हैं, तो चलिए इनकी पूरी डिटेल्स जानते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम Redmi 9A से। दोस्तों, ये एक बजट स्मार्टफोन है और इसकी प्राइस आपको समवेयर अराउंड 6500 के आसपास देखने को मिल सकती है। अब बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.53 इंच की एक HD+ वाली डॉट ड्रॉप वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको ब्लू लाइट प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन मिलता है, जिससे आपकी आईज को और ज़्यादा प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। साथ ही इस फोन में आपको 5000 mAh की एक मैसिव बैटरी देखने को मिल जाती है, जो आपको एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ देगा और अप्रॉक्स आपको 1.5 दिन तक ये आराम से फ़ोन चल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें, तो इस फोन में आपको MediaTek Helio G25 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो हाल ही में कंपनी ने लॉन्च किया था, और इसमें आपको थोड़ी बहुत गेमिंग भी मिल जाएगी, कि इसमें आपको हाइपर इंजन 1.0 का सपोर्ट मिल जाता है। बात करें इस फोन के कैमरा सेटअप की, तो इसमें आपको रियर में 13 MP का एक AI कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, साथ में आपको 5 MP का एक सेल्फी शूटर भी देखने को मिल जाता है। तो बजट कैटेगरी में प्राइस के हिसाब से फोन आपको अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ मिल जाता है। अब हम आगे बात करते हैं दूसरे फोन की, जो है Redmi का 9C। इस फोन में भी आपको एक मैसिव 5000 mAh की हाई कैपेसिटी बैटरी मिल जाती है, जो आपको 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप आराम से दे देगा। साथ में प्रोसेसर की बात करें, तो इसमें आपको हीलियो G35 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि G25 से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, और इसमें आप थोड़ी बहुत अच्छी गेमिंग कर पाएंगे। डिस्प्ले की बात करें, तो इसमें भी आपको 6.53 इंच की एक HD+ वाली डिस्प्ले मिलती है, लेकिन इसमें बेजल्स आपको थोड़े से कम देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू Redmi 9A। आगे अब अगर हम बात करें कैमरा सेटअप की, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है रियर में, जो प्राइमरी 13 MP का कैमरा मिल जाता है, 2 MP का डेप्थ सेंसर और 2 MP का माइक्रो सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच में 5 MP का सेल्फी शूटर भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छे हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि इसको आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल सकती है। अब बात करें इसके प्राइस की, तो ये इसकी प्राइस आपको समवेयर अराउंड 7500 के आसपास देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं सबसे मेन फ़ोन की, जो आज इंडिया में लॉन्च होने वाला है, वो है Redmi 9। ये फ़ोन काफ़ी दमदार होने वाला है और बहुत दिनों से इसकी हाइप बनी हुई थी, और फाइनली ये आज इंडिया में लॉन्च हो रहा है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस फ़ोन की पूरी डिटेल्स स्पेसिफिकेशंस आपको बताने वाला हूं, और साथ में इसकी प्राइस भी आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले से। इस फोन में आपको 6.53 इंच की फुल HD+ वाली एक IPS डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। साथ में इस फोन में आपको MIUI 11 मिलने वाला है, जो कि Android 10 पर बेस्ड होगा, जिसमें आपको डार्क मोड भी मिलने वाला है। डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, और साथ में आपको रीडिंग मोड भी दिया हुआ, जिससे आप इसे अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। कैमरा सेटअप की बात करें, जिसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो प्राइमरी कैमरा है वो 13 MP का है, साथ में एक 8 MP का अल्ट्रावाइड कैमरा भी आपको देखने को मिल जाता है, साथ में 2 MP का डेप्थ सेंसर और 5 MP का माइक्रो सेंसर आपको मिल जाता है, और साथ में रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। अब अगर बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको MediaTek Helio G80 वाला प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, और आप इसमें अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे। साथ में इसमें आपको 4GB का LPDDR4X वाला रैम सपोर्ट भी देखने को मिलता है। अब बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी की, तो इसमें भी आपको एक 5000 mAh की एक मैसिव बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ मिलता है। साथ में इसमें आपको एक डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिल जाता है, जिसमें आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड एक साथ यूज़ कर पाएंगे। इस फोन में आपको हेडफोन जैक, टाइप सी वाला चार्जर पोर्ट और साथ में एक स्पीकर ग्रिल भी देखने को मिलता है, और साथ में ये फ़ोन ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट करता है और वायरलेस FM रेडियो का भी सपोर्ट करता है, और IR ब्लास्टर तो हर Redmi फ़ोन में आपको मिलता ही है। ओवरऑल फ़ोन की बात करें, तो आपको बजट रेंज में एक फुल पैकेज वाला फ़ोन मिलता है। अब इसके प्राइस की बात करें, तो इसकी प्राइस आपको समवेयर अराउंड 11000 के आसपास देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं आज इसकी प्राइस क्या आती है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है, वो है MI TV स्टिक। इस स्टिक की हेल्प से आप कोई भी नॉर्मल से स्मार्ट टीवी को एंड्रॉयड टीवी में कन्वर्ट कर पाएंगे और उसके सारे एंड्रॉयड टीवी के फीचर्स यूज़ कर पाएंगे। इसके साथ में आपको एक रिमोट कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको गूगल असिस्टेंट का डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है, साथ में नेटफ्लिक्स का और अमेजन प्राइम का भी डेडिकेटेड बटन अलग से आपको देखने को मिल जाता है। साथ में इसमें आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो आप अपने मोबाइल से डायरेक्ट कंटेंट्स को टीवी पे स्ट्रीम कर पाएंगे।
इसमें आपको क्वाड कोर वाला प्रोसेसर मिल जाता है, साथ में 1 GB की रैम और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज भी आपको देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो ये आपको 3,499 रुपीज़ का मिलता है और बहुत ही छोटे साइज का है, तो आप इसको कहीं भी लेकर जा सकते हैं और अपने नॉर्मल से स्मार्ट टीवी को एंड्रॉयड टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च किया है वो है मॉनिटर, जो कि कर्व्ड मॉनिटर है, जो 34 इंच का आपको देखने को मिल जाता है। ये एक डेडिकेटेड गेमिंग मॉनिटर है, तो इसमें आपको एक 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो आपको गेमिंग को और ज़्यादा स्मूथ बनाने में हेल्प करेगा। नॉर्मल डेस्कटॉप में आपको 16:9 का एस्पेक्ट रेशो देखने को मिलता है, लेकिन MI के इस मॉनिटर में आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशो देखने को मिलेगा, तो आप वाइड एंगल में अच्छे से गेमिंग का मजा उठा पाएंगे। स्क्रीन के कर्व होने के कारण आपको और ज़्यादा अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें देखने को मिल जाएगा। प्राइस की बात करें तो ये यूरोप में 399 यूरो का लॉन्च हुआ है, जो समवेयर अराउंड 34,000 के आसपास होता है, लेकिन इंडिया में ये अप्रॉक्स 30,000 के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है। अगला प्रोडक्ट जो कंपनी ने लॉन्च किया है वो है MI ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स 2 बेसिक। तो हाँ, ऐसा ही कुछ बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है इसका। अब इसके फीचर्स की बात करें, इसमें आपको टच कंट्रोल दिया हुआ है, तो आप इससे कॉल पिकअप कर सकते हैं, साथ में ही गूगल असिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं और म्यूजिक को भी कंट्रोल कर पाएंगे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन दिया इसमें। साथ में इसमें USB टाइप सी वाला चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, तो आप इसको जल्दी से चार्ज भी कर पाएंगे। साथ में इसमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाला भी फीचर देखने को मिलता है। अब बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी की, तो विद द बॉक्स ये आपको अप टू 20 आवर का बैटरी बैकअप देगा और सिंगल चार्ज में आपको 7 to 8 आवर का बैटरी बैकअप आराम से दे देगा, तो ये अच्छा खासा बैटरी बैकअप इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अब फाइनली बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस आपको समवेयर अराउंड 4,500 के आसपास देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं इंडिया में कब तक लॉन्च होता है। तो दोस्तों, ये थे सारे प्रोडक्ट्स जो Xiaomi ने ग्लोबल लॉन्च इवेंट में लॉन्च किए हैं। तो आपकी क्या राय इन प्रोडक्ट्स के बारे में, अब हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।